वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मेरा नया वर्कशॉप है, तो इसी का काम चल रहा है, इसीलिए आजकल थोड़ा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये देखो मेरा वर्कशॉप का इंटीरियर, काफ़ी गाड़ी का काम चल रहा है तो काम हो रहा है। तो आज मैं आपको थोड़ा टेक्निकल छोड़ के थोड़ा डिफरेंस चीज़ के ऊपर बात करूँगा, जो मैं एक वॉशिंग पीट बनाने जा रहा हूँ, जिसको आपको बताऊँगा किस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। ये देख सकते हो इसका एक तार बंधा हुआ है, इसका कितना मेज़रमेंट है, कितना लेंथ है, ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी। और एक चीज़ पेंट्स, जो आप पहले भी वीडियो देख चुके होंगे, तो सबसे कम खर्चा में कैसे आपको पीट बना सकते हैं, सबसे कम इक्विपमेंट खर्चा करके एवं अच्छा क्वालिटी का पीट बना सकते हैं कंक्रीट का, तो उसके लिए आज ये वीडियो है। ये देख सकते हो ये जो गाड़ी वॉशिंग होने के बाद जो वाटर ड्रेनेज होता है उसका लाइन बन रहा है। तो धीरे धीरे आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स में सब कुछ दिखाऊँगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो मिडिल पोर्शन होगा गाड़ी वॉशिंग करने के बाद जो पानी निकलेगा, वो पानी इधर से निकलेगा और ये वाला जो होज है ये यहाँ पे बैठेगा। देख सकते हो पहले आपको ये ड्रेनेज का होज फिटिंग कर लेना पड़ेगा। और ये देख सकते हो एक साइड का वाल बनेगा और इधर में एक साइड का वाल बनेगा, दोनों का तार बिछा हुआ है। तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ये मिडिल में आपका रहेगा, जहाँ से हम लोग गाड़ी में अंदर में घुस के, गाड़ी के नीचे अंदर में घुस के करता है, यार यहाँ से पानी ही निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ एक्चुअली इसका ओवरव्यू कैसे होगा। बहुत जल्दी ही काम करने वाला है क्योंकि बिजनेस काफ़ी दिन बंद रहा है। ये देख सकते हो पूरा जैसे तार बिछा हुआ है, इस ये बिछेगा, ये हमारा रोड है। ये देखो ये दूसरा तरफ का रोड, तो यहाँ से गाड़ी आकर के सीधा यहाँ पे घुस जाएगा वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो एक साइड का तार बंधा हुआ है, ये देख सकते हो ये ड्रेनेज लाइन को हमने बिछा दिया है और ये उसी का काम चल रहा है। देख सकते हो ये ड्रेनेज होज है। तो वीडियो का एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स, आपको काफ़ी चीज़ देख पाएंगे आप अगर बनाने के लिए इंटरेस्ट हो। तो ये देख सकते हो ये तार एक साइड का हम बना लिए हैं, इसमें कंक्रीट का ढलाई होगा और कंक्रीट का जो मोटापा रहेगा ये हमने 4 इंची का मोटापा देंगे। ये टोटल ये बेसमेंट होगा, इसके ऊपर ही पूरा जो आपका ईंट का जो पिलर बनेगा इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये मिडिल पोर्शन आपको ध्यान देना है, मिडिल पोर्शन सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई भी बाहर निकल नहीं चाहिए। और बाएं तरफ में आप जैसे भी जो डिज़ाइन बना सकते हो, मैंने इसका टोटल लेंथ रखा है 4 फीट का, दोनों तरफ 4 फीट रहेगा और मिडिल में 2.5 फीट का 2.5 फीट का गैप रहेगा, जिसमें एक बंदा आसानी से अंदर में घुस सकता है। तो ये देख सकते हो हमने इसको कंक्रीट कर दिया है, ढलाई मार दिया है और इसके ऊपर बनेगा ईंट का जो ब्रिक्स का जो आपका पिलर बनेगा इसी के ऊपर बनेगा। आप देख सकते हो इसको हमने ढलाई कर दिया, एक साइड में कंप्लीट हो गया है, अब सेम दूसरा तरफ में भी करेंगे, आपको दिखाएंगे बारी बारी से, सेम टाइप का दूसरा तरफ में बनेगा और मिडिल में गैप रहेगा। और जैसे कि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिडिल वाला जो गैप है ये पूरा सीधा रहेगा, बाएं तरफ में बाहर चलेगा ठीक है, लेकिन मिडिल पोर्शन जो है ये सीधा रहना चाहिए, तभी आपको मेज़रमेंट सही तरह से लगेगा। तो हमने यहाँ का टोटल जो डिस्टेंस है इसका 21 फीट का लिया है, जैसे बेसमेंट ऊपर वाला जो गाड़ी चढ़ेगा उसका बेसमेंट रहेगा 11 फीट,
जो लंबा गाड़ी है इनोवा वगैरह, ये आराम से हो जाएगा। और बाकी जो पोर्शन रहेगा उसमें स्लोप बनेगा। तो देख सकते हो आप, काम पूरी तरह से चल रहा है। और इसका दोनों तो आपका पिलर बन चुका है इस ठीक इस तरह से। आपको टोटल हमने लास्ट बार जो है टोटल ब्रिक्स देकर के बनाए थे, अभी इससे भी तो 10 का पिलर बना लिया है। और ये 10 का पिलर बना लिया है, उसका मिडिल में हम सिल्वर सैंड देकर के फिलिंग करेंगे। ये फ्रेंड देख सकते हो आप, स्लोप कितना बढ़िया बना है। इसमें गाड़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से गाड़ी चढ़ जाएगा। और ये जगह जो है ये सबसे चीज़ से हम भर देंगे। मैं ऊपर जा करके एक बार दिखाता हूँ। तो देख सकते हो जितना भी जो भी था ईटा वगैरह सबको मैंने इसको डाल दिया है, जैसे सैंड कम खर्चा में हो जाए, जो भी था इसमें डाल दिया है, उसमें सैंड अच्छे तरह से सेटल हो जाएगा और ठीक इस तरह से बन रहा है। तो दोनों तरफ का हमने 4 फीट का पिलर बना दिया है और इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है कि सो दैट सैंड बाहर की तरफ ना आ जाए, अच्छी तरह से सेटल हो पाए। ठीक है, सैंड डाल करके इसमें पानी दे देने से बहुत बढ़िया से सेटल होगा। उसी का काम चल रहा है, फिलिंग का काम चल रहा है। ये मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ स्लोप कैसे बना है। ये देख सकते हो टोटल ओवरऑल व्यू, इसका स्लोप कितना बढ़िया बना है। तो फ्रेंड्स आप मोटापा जो है इसको 3 फीट का भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा बनाया क्योंकि इसी को ऊपर ही टॉप वॉश भी हो जाएगा और अंडर गरेज भी वॉश हो जाएगा और उसको ऊपर ही वैक्यूम वगैरह भी हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटापा रखा है 4 फीट 4 फीट और अंदर में 2.5 फीट का गैप रखा है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स इसका जो हाइट है ये हमने 3.5 फीट लिया है और ये स्लोप ठीक इसी तरह से बनाया है। ये तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, ये 11 फीट का बेसमेंट बनेगा ठीक इसी तरह से आप बना सकते हो। और इस साइड में थोड़ा सा हम जगह रखा है, इसमें पाम्प बैठाएंगे सो दैट पाम्प इधर उधर ना बैठा के इसी के अंदर में बैठाएंगे और पावर लाइन भी इसी में कर देंगे। तो एक ही जगह में आपका काम बन जाएगा, इसी के ऊपर ही आपका गाड़ी टॉपअप भी हो जाएगा, वैक्यूम वगैरह भी हो जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हो एक साइड का कंप्लीट हो चुका है हमारा कंक्रीटिंग का काम और दूसरा तरफ कल चल रहा है कंक्रीट का काम, कितना बढ़िया तरह से बन रहा है। आपको साइड से ले जाकर दिखाता हूं, कितना चौड़ा हुआ है और कितना बढ़िया तरीके से बना है। एक्चुअली लास्ट बार हमने किए थे तो उसमें से काफ़ी चीज़ हम सीख मिली है, तो उसी से सीख लेकर के ही इसको बढ़िया तरह से बना रहा हूं। और ये देख सकते हो कितना तार से हम ऊपर की तरफ ढलाई मारते हैं। इसमें क्या होगा, आपका पीठ जो है एकदम मजबूती से बनेगा। और ये साइड में घेर रहा हूँ क्योंकि चक्का अगर साइड में फिसल जाए तो उसके लिए मैं ये साइड घेर रहा हूँ। और पानी जो है पूरा स्लोप हो करके नीचे तरफ आ जाएगा और ड्रेनेज से निकल जाएगा। ये आपको मैं दूर से थोड़ा सा दिखाता हूँ। हम
एक इनोवा गाड़ी को चढ़ाए हैं, फास्ट कार है ये, इसको हमने उठाया है, इसका इंजन ऑयल चेंज होगा, वॉशिंग वगैरह होगा, इसीलिए इसको उठाया है। ये फास्ट कार है, पीट में आप देख सकते हो कितना अच्छे तरह से चढ़ा है, जगह कितना अच्छा हो गया है। और अभी पंप वगैरह भी फिटिंग हो रहा है, अपना जगह में पंप लग जाएगा, फिर वॉशिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं सामने से दिखाता हूँ, ये देखो सामने से और साइड में कितना जगह है, क्योंकि 4 फीट का बना है तो आराम से दरवाज़ा भी खुल जाएगा और वैक्यूम वगैरह भी हो जाएगा। और नीचे से आप देख सकते हो गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, देख सकते हो कितना अच्छा गैप बना है। और ये बाएं तरफ में मोटर रखेंगे, ये देख सकते हो पेन कितना अच्छा हाइट बना है। ये हाइट से आप अंदर की तरफ वॉशिंग कर सकते हो, अंडर कोटिंग वगैरह कर सकते हो, सस्पेंशन का भी काम कर सकते हो। और ये था वो ड्रेनेज लाइन जहाँ से आपका पूरा जो ओवरऑल पानी है वो यहाँ से निकलेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स ये था हमारा वॉशिंग पीट। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। आप वॉशिंग पीट बनाने से आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हाइड्रोलिक में काफ़ी खर्चा हो जाता है, बार बार मेंटेनेंस होता है, उसमें अंडर कैरेज पेंट वगैरह भी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।